बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लॉकडाउन को लोग कितना शिद्दत से ले रहे हैं उसकी वानगी भर है मवाना रोड पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। युवक रजपुरा का निवासी था और पावर कारपोरेशन में संविदा पर कार्यरत था। वह सुबह काम पर जाने के लिए निकला था कि विजय लोक के ठीक सामने दो युवकों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मारे गए युवक का नाम 28 वर्षीय रजत चौधरी उर्फ गोलू है। वह ग्राम रजपुरा के प्रधान विपिन का चचेरा भाई था। घटना होते ही सूचना आग की तरह फैल गई। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई, गांव के तमाम लोग भी। एसओ गंगानगर का कहना है कि यह हत्या क्यों की गई है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हत्या के वक्त रजत के साथ गंगानगर आई ब्लॉक की एक युवती भी थी जो स्कूटी पर पीछे बैठी थी। वह रजत के सहकर्मी हैं। एसओ का यह भी कहना है बदहाश युवती अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। दो युवकों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, जल्द ही इसका पता लगा लिया जाएगा। गंभीर बात यह है कि लोग कोरोना से स्वयं को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं और बदमाश दूसरे की जान लेने में। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ही मेरठ शहर में चौथी ऐसी घटना है। इससे पहले लिसाड़ी गेट कोतवाली क्षेत्र में शाहबेस व आकिब को गोली मारी गई थी, जबकि मेडिकल कॉलेज के निकट स्थित हनी गोल्फ निवासी प्रदीप चौधरी को गोली मारी गई है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।